महिला पर्यवेक्षक के टोटल 30 MCQ करने वाले हैं। पहली बार आए तो चैनल को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, क्योंकि 27 अगस्त को आपका एग्ज़ाम है महिला पर्यवेक्षक का। ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम आपके लिए, बिल्कुल रिवाइज करके जाइएगा, ठीक है। टोटल 30 MCQ करने वाले हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन जो खून के जमने की आवश्यकता होती है, जो खून अपने जमता है ना आपका, विटामिन के, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर आप सभी को मैं पहले से ऐसे एक डब्बा करके आंसर दे दिया हूँ, लेकिन सभी का आंसर बताते चलूँगा ना। विटामिन ए से आपका रेटिनॉल होता है, जिसे रंधावती रोग कहा जाता है। कौन सा रोग होता है? विटामिन ए से आपका रेटिनॉल होता है, रेटिनॉल, ठीक है। रेटिनॉल यानी कि रंधावती रोग, ठीक है। इसके खाने से कौन से होती है? इसके फायदा आपका गाजर, गाजर खाइएगा, आम खाइएगा, ठीक है। विटामिन बी आप लोग बताएं, विटामिन ई आप लोग बताएं, विटामिन के मैं आपको बता दिया, ठीक है। इसमें भरपूर लौह आयरन तत्व पाया जाता है। आयरन आपका हरी पत्तीदार सब्जियां पाई जाती है, जैसे पालक। पालक सबसे बेस्ट कारागार है, जिसमें आपको विटामिन मिलता है लौह, जिसे आयरन कहा जाता है, ठीक है। हरी सब्जियां बहुत सारी आती है, लेकिन सबसे फर्स्ट हमें आपका होगा पालक। भोजन का प्रमुख अंग है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट किससे मिलता है? चावल से, ठीक है। किससे मिलता है? चावल खाने से आपको कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा मिलती है, ठीक है। निम्नलिखित में से एथलीट को किसकी जल्दी खाने से ऊर्जा मिलती है? कार्बोहाइड्रेट। एंजाइम क्या है? तो एंजाइम आपका प्रोटीन है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो यो है सोयाबीन, जिसमें प्रोटीन सबसे अधिक पाया जाता है, ठीक है। जबकि चावल आपका कार्बोहाइड्रेट है। निम्नलिखित में किसमें रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? विटामिन ए में, ठीक है। निम्नलिखित में किसमें सबसे अधिक विटामिन ए पाया जाता है? विटामिन ए गाजर में पाया जाता है, जस्ट आपको बताया, गाजर, उसके बाद आम, सेकंड नंबर पर। एग्ज़ाम में अगर पूछ लिया जाए कि विटामिन ए में सबसे अधिक मात्रा में गाजर, सेकंड नंबर में आम। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? यकृत यानी कि लीवर में। निम्नलिखित में से सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? सोयाबीन के दाने में, ठीक है। प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो एसिड की आवश्यकता होती है? मात्र 20। निम्नलिखित में से यौगिक कितने समूह को सहायक आहार के कारण माना जाता है? विटामिन में ही सहायक मिलता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? बी बारह में रहता है, जबकि B6 आपका थायमिन है ना, वहाँ पर देखिए B12 आपका कोबाल्ट होगा, विटामिन के रक्त का थक्का जमाने के लिए, विटामिन B2 कॉम्प्लेक्स के लिए। शुष्का छिकोप किस विटामिन के कारण होता है? यानी कि विटामिन ए के कारण होता है, उसे रंधावती रोग यानी रेटिनॉल कहा जाता है। साइनोकोबाल्मिन आपका विटामिन B12, उसे कोबाल्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोबाल्ट भी कहा जाता है, ठीक है। विटामिन ए से रेटिनॉल, रंधावती रोग, गाजर खाने से, आम खाने से नहीं होता। विटामिन सी स्कर्वी रोग यानी कि त्वचा रोग हो जाता है, विटामिन सी से आपका त्वचा रोग होता है, यानी कि स्कर्वी कहा जाता है। सबसे बेस्ट है आपका आंवला। विटामिन B12 कोबाल्ट, विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स, ये इससे सूर्य के प्रकाश और मछली के यकृत खाने से होता है, ठीक है। विटामिन डी की कमी नहीं होगी। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? अभी आपको बताएं, आंवला। विटामिन सी स्कर्वी रोग नहीं होता, त्वचा का रोग नहीं होता, आम खाने से रंधावती रोग नहीं होता, रेटिनॉल है ना से। और फर्स्ट नंबर में आपका गाजर। विटामिन ए आएगा आम खाने से, सेब खाने से क्या होता है जल्दी कमेंट करके बताइए। दूध से आपका प्रोटीन मिलेगा, इससे ज़्यादा प्रोटीन आपका दाल में मिलता है, ठीक है। तो सेकंड नंबर में आपका दूध हो जाएगा, इससे दाल से पहले नंबर में सोयाबीन। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी कर मसूड़ों में रक्त आता है? तो विटामिन सी, स्कर्वी रोग, त्वचा रोग, मसूड़ा रोग, ये आंवला खाने से ख़त्म हो जाता है, मतलब सबसे बेस्ट है। चलिए जल्दी से आप सभी के लिए प्रश्न है, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन डी, ये चारों का आप लोग बताइएगा कि कौन से कमी के कारण क्या क्या होता है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। क्योंकि देखिए महिला पर्यवेक्षक एग्ज़ाम 27 अगस्त को है और आप सभी तैयारी करना स्टार्ट कर चुके होंगे, तो रिवीजन बस करना है आपको, पढ़ना नहीं है, बस रिवीजन करना है। वीडियो हमारा पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, लाइक सबसे बेहतर है ना।
सब्सक्राइब करो या ना करो उसे कोई दिक्कत नहीं है, अब क्लास डेली कीजिएगा, बस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना। इतना मेहनत कर रहे हैं हम आप सभी के लिए, लाइक बनता है। त्वचा को स्किन को स्वस्थ रखने के लिए देखिए फिर आ गया ना वही विटामिन सी आंवला वाला। सभी का सभी आंसर कमेंट कीजिएगा, इनका क्या आएगा। विटामिन या बताए ना टेकोफेरॉल, विटामिन ई टेकोफेरॉल आंसर दिया है यहीं पर। निम्न कौन से विटामिन रक्त के संकेतन कार्य करता है। विटामिन के रक्त का थक्का जमाने के लिए, रक्त का थक्का जमाने के लिए, ठीक है। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन में मिलता है वही आपको बताया। विटामिन के, विटामिन ई के सबसे अच्छे स्रोत गेहूं का अंकुर तेल। हृदय धड़कन को नियंत्रण कौन करता है, पोटेशियम। पालक के पत्तों आयरन मिलता है। कार्बोहाइड्रेट चावल आयरन, विटामिन सी। एनीमिया रोग होता है आयरन से। आयोडीन किसकी कमी के कारण होता है, नमक खाने से। कौन सा रोग होता है, घेंगा रोग। कैल्शियम का बताइएगा, आयरन जिंक का मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। ये देखिए केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान यानी कि सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, मैसूर। एलिजा जांच किस रोग के कारण होता है, एड्स। किसकी कमी है, एड्स, विटामिन डी, ठीक। सूर्य के प्रकाश। हैजा क्या है, जीवाणु है, बैक्टीरिया। दांतों के क्षय सड़ने का रोग ले टूथपेस्ट में क्या करता है, फ्लोराइड। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कैंसर के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है, कीमोथेरेपी। टोटल 30 MCQ हो चुका है, कल हम पार्ट 3 वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है। ये आपके लिए हो चुका महिला पर्यवेक्षक के लिए। हॉस्टल बढ़ाने की क्लास बहुत जल्द प्रारंभ